बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि धरना ख़त्म हो चुका है। जैसा कि इमरान खान के सिपाही अमेरिका फतह करने के बाद अपने घरों में जा चुके हैं, जैसा कि इमरान खान साहब तकरीर कर रहे और कासिम सुरी ने इमरान खान को लुकमा दिया के जो इमरान खान साहब को बहुत महंगा पड़ा। अवाम का कहना था कि इमरान खान साहब मजहब का कार्ड खेल रहे हैं और तहरीक लब्बैक वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके बाद तहरीक अलामा साद हुसैन रिजवी ने भी अपना रद्द अमल दे दिया है। अलामा साद हुसैन रिजवी साहब का कहना था कि कासिम सूरी ने इमरान खान के कान में इस्लामिक टचमेंट वाली सरगोशी करके वो एक्सपोज कर दिया है। इमरान खान अपनी तकरीर के साथ साथ अपने इस्लामी को भी टचमेंट दें। अमीर मोहतरम का मजीद कहना था कि क्या उनको धोखा देने के लिए इस्लामी टचमेंट करना मुनाफ़त की बात है। रियासत मदीना में अहूत और भाईचारा था। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का कहना था कि आइंदा इंतहाबात में अवाम मुनफरिद करेगी, जिस तरह आज़ादी मार्च को मुनफरिद किया था। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का कहना था कि इमरान खान का इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं, वो इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहता है। नाज़रीन, इस तरह की और मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।